खबर चलेगी, खबर चलेगी किस टाइम? आधे घंटे में। हमारा तो फोटो ना आया, पूरे खड़े हो जाएंगे पूरे का। स्वामीपद से हम बोल रहे हैं, सुरेंद्र सिंह ऑपरेशन मैनेजर, और हमने जो है यहाँ पे हर जो भी एंट्री पे और अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं और मास्क और सैनिटाइज कर रहे हैं, तभी जो है पब्लिक को अंदर जाने दिया जा रहा है। बगैर वैक्सीनेशन के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, बगैर वैक्सीनेशन के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ध्यान रखा जा रहा है, जिस तरह कोरोना का खतरा बढ़ रहा है उसको ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल जी, मैं जितेंद्र भारद्वाज सिटी मॉल सोनीपत से हूं, और आज नए साल के उपलक्ष्य में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हमने बहुत पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सबके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देख रहे हैं प्रशासन के आदेशों के अनुसार, एंट्री में सबको हम मास्क उपलब्ध भी करा रहे हैं, कोई अगर ना लेके आया हो तो। सबको मास्क के बिना किसी को एंट्री नहीं दे रहे हैं, उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काफी भीड़ हो रही है, उसको मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो अगर कोई ज्यादा बदतमीजी पे आ रहा है तो हम पुलिस प्रशासन को भी साथ साथ। क्या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी चेक किए जा रहे हैं? बिल्कुल किए जा रहे हैं जी, सबसे पहले तो वैक्सीनेशन ही देख रहे हैं, उसके बाद एंट्री हो रही है, उसके बिना एंट्री नहीं हो रही, लेकिन लोग फिर भी जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम थोड़ा सा पुलिस को भी बुला रहे हैं, एक दो बार बुलाया भी है, और अपने सारे गार्ड्स को हमने एंट्री पे लगाया हुआ है, हमने कहा है, और उसके हिसाब से हम चलेंगे आगे भी, ऐसा ही करते रहेंगे। वैक्सीन इधर दूसरी डोज को चेक कर रहे हैं लगातार, उसके बिना अंदर नहीं जाने दे रहे, चेक कराओ चेक कराओ, बगैर मास्क के खुद आपके कर्मचारी यहाँ पर घूम रहे हैं ना, हमारा तो आम जनता के से मास्क लगा हुए हैं, निगरानी में हमारे से भी, गेट पर गेट में की कोई तैनात नहीं है, जो सर्टिफिकेट तैयार है वो दो बंदे तैयार है ना, हम वहीं से आए हैं, हरदीप भी है वो तैयार है, वो हरदीप है, क्या दो बंदे उधर भी है, खुद ये कर्मचारी लापरवाही करेंगे तो और कौन लगाएगा? नहीं, लापरवाही कोई नहीं करेगी, कुछ ओके काम चल रहा है, अभी तुम कैमरा घुमाओ और चेक कराओ, क्या नाम घुमा सकते हो, अभी घुमा सकते हो, क्या नाम आपका? करमवीर, इंस्पेक्टर।